हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हो तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है? जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है और ऑटोमेटिक यहां से बैक हो जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके भी साथ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक बैक हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके भी साथ हो रहा है इंस्टाग्राम पर तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे, 100% आपको सही और शुद्ध जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम देखने को नहीं मिल रहा तो दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सी ऑल 81 ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होंगे यानी कि इंस्टॉल होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम को इस तरीके से स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है। और ढूंढने के बाद दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आपको एक बार सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको एक बार क्लिक करके ओके कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरेज एंड कैचेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप में क्लियर डाटा दिखा रहा है तो उस पर आपको नहीं क्लिक करना है। क्लियर कैचेस वाले पर एक बार सिंपली इस तरीके से क्लिक करके यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने गूगल ऐप को या किसी ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए मैं ब्राउजर ऐप को इस तरीके से ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन, इंस्टाग्राम ओल्ड, इस तरीके से ओल्ड वर्जन इस तरीके से लिखकर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर। जिससे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिख दिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम वर्जन ऑल वर्जन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेर सारे वर्जन ओल्ड वर्जन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से किसी भी एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, तीसरे वाले को आपको डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए यहाँ से तीसरा मैं इस तरीके से डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पर ऐड आएगा तो इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, डाउनलोड एपीके लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि दोस्तों, मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आपको इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेना है और प्ले स्टोर वाला इंस्टाग्राम को आपको लॉग आउट कर देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है। और इसे आपको इंस्टॉल करके इस पे आप अपनी आईडी को बना लीजिएगा, जिससे वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आपका इंस्टाग्राम बग खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ओल्ड वर्जन ही चलाना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ओल्ड वर्जन डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन हो जाना है। और जब तक बग खत्म नहीं होता है न्यू वाले इंस्टाग्राम पर, तब तक आपको इसी को यूज करना है। और इंस्टाग्राम का बग खत्म हो जाएगा तो आप उस पर इंस्टॉल हो सकते हैं, यानी कि अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।